हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप फ्रेंड आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड। और आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक छोटे से न्यू ब्लॉग के साथ। तो आप लोग ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड। और ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड। और फ्रेंड आज है डे गुरुवार और मैंने पहना है येलो कलर की साड़ी फ्रेंड। और आज अभी बज चुके हैं फ्रेंड शाम के 6। और अभी आजकल फ्रेंड मौसम चेंज हो रहा है तो धूप बहुत तेज़ हो जा रही है। सुबह से ही धूप हो जा रही है तो छत पे आना अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और नीचे ही रहो तो नीचे थोड़ा सा अंधेरा रहता है तो हम लोग शूट नहीं कर पाती हूँ मैं सही से। तो अभी शाम के टाइम में आई हूँ तो मैं कहीं थोड़ा सा ब्लॉग बना लूँ। तो ठीक है फ्रेंड। और आप लोग बताइए आप लोग कैसे हैं? और मैं तो अभी ठीक नहीं हूँ। पता नहीं क्यों मौसम चेंज हो रहा है कि क्यों मुझे फीवर सा हमेशा लगा रह रहा है। जब तक मैं दवाई खा रही हूँ तब तक तो सही हो जा रहा है और फिर उसके बाद मेरे हाथों पैरों में दर्द जकड़न सा ऐसा हो रहा है और बहुत ही मतलब दर्द हो रहा है पूरे सर में। कुछ मतलब करने का मन नहीं हो रहा है, पढ़ाई लिखाई या घर का काम, ऐसा लग रहा है मैं हमेशा सो ही रहूं। तो चलिए फ्रेंड ठीक है। और अभी कल फ्रेंड मैं चिप्स बना रही थी तो धूप हो गया था और मुझे चिप्स बनाते बनाते 1 बज गया था और मैं इतना तेज़ धूप हो गया था छत पे कि मैं सूट ही नहीं कर पाई। मैंने कैसा चिप्स बनाया है और अभी देखिए मेरे चिप्स आज सूख गए हैं। और देखिए ऐसा ये पापड़ है और ऐसा ये मैंने केवल चावल को खौलाते हुए दिखाया था। और देखिए ये है मेरे पापड़, ये है नमकीन और ये है पापड़ और ये है चावल का पापड़ पे। और सूजी वाला मैं बनाई थी तो देखिए यहाँ पर। और फ्रेंड सूजी वाला पापड़ बनाई थी मैं परसों वाले दिन तो देखिए बिल्कुल चूरमा बन गया है। सूजी वाला पापड़ है जो देखिए एकदम से एक तो मुझे एकदम पतला पतला बना दी थी, देखिए कैसा हो गया है। और इसको अलग रखी हूँ मैं। और ये वाला है, ये वाला चावल का है तो ये वाला तो ठीक बना है। और इधर देखिए चिपक गया, ये जब चिपक जाता है ना तो इसे छुड़ाने में बहुत ही टाइम लगता है। देखिए अभी सुबह के टाइम ये मुलायम था तो आधा मैं छुड़ा रही थी तो धूप ज़्यादा हो गया था तो मैं कहीं अब बाद में छुड़ाऊँगी इसे, तो चली गई नीचे। और फ्रेंड अभी अब तो शाम हो गया है फ्रेंड, टाइम का कुछ पता नहीं चलता है कब बीत जाए क्या हो जाए। अभी सुबह गई थी खेत में भी, खेत का भी काम हो रहता है और घर का भी काम रहता है, उसी में पढ़ाई लिखाई सब रहता है, सभी हम लोगों को मुझे ही अकेले देखना है। बच्चे अभी मेरे छोटे हैं। और अभी फ्रेंड है मॉर्निंग का टाइम तो अभी मैं हूँ अपने किचन में फ्रेंड। और अभी ये बज रहे हैं फ्रेंड 6 बजे 7 बजे का टाइम है फ्रेंड। और 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का जो रूटीन होता है फ्रेंड, जो टाइम होता है, इतना बिजी होता है ना, इतना बिजी कि हम चैन से सुकून से बैठ के चाय भी नहीं पी सकते हैं और ना ही पानी पी सकते हैं। तो यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम है, फिर भी थोड़ा सा जल्दबाजी में ही पीती हूँ, मगर पीती हूँ। यहाँ पर बैठी हूँ मैं बाहर का काम करके और टहल के आ गई हूँ और झाड़ू वगैरह बर्तन जो भी होता है करके आई हूँ और फिर किचन वगैरह साफ़ करके यहाँ पर मैं बैठी हूँ किचन में और गर्म पानी पी रही हूँ। और हस्बैंड जी के लिए इस बड़ी वाले गिलास में रखी हूँ और वो भी सुबह से ही उठ के कुछ अपने फ़ोन में ही लगे रहते हैं सुबह और शाम, हमेशा वो तो बिजी ही रहते हैं, उनसे तो दुनियादारी कुछ से मतलब नहीं, केवल ऑफिस जाना है और ऑफिस के बाद उनका फ़ोन है। और फिर उस इधर मैं अब तैयारी कर रही हूँ खाने की। तो फ्रेंड आज मैं बनाने वाली हूँ खाने में मटर की और पात गोभी की सब्ज़ी और आलू की। और इधर हो रही है मेरी चाय और दूसरी साइड मैंने रख दिया है चावल और बच्चे भी अभी सोए ही हैं।
तो अभी उनको भी जगाना है फ्रेंड। और अभी तबीयत फ्रेंड मौसम चेंज हो रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है कि तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रही है। फीवर सा हमेशा बना रह रहा है और अकड़न सी हाथों पैरों में हो रही है। तो यहाँ पर मैं बनाई हूँ मसालेदार चाय, और जो कि है काली मिर्च इसमें डाली हूँ, अजवाइन और हरी इलायची। और देखिए कितना अच्छा मेरा चाय बना है, और केवल अपने लिए बनाई हूँ, अदरक भी डाली हूँ और केवल थोड़ा सा ही बनाई हूँ क्योंकि बहुत ही तीता हो जाता है तो बच्चे पीते नहीं हैं और हम हस्बैंड जी को चाय पसंद नहीं है, तो थोड़ा सा ही मैं बनाई। और फिर जल्दी भी रहता है चाय, और बच्चों को दूध वाला चाय पसंद है तो बच्चे दूध वाली चाय चाय पसंद करते हैं। और यहाँ पर ये थोड़ा सा चावल बीन बना के रखे रहते हैं तो फिर भी थोड़ा सा कीड़े वगैरह आ जाते हैं, तो यहाँ पर मैं वही साफ़ कर रही हूँ। रोज़ मैं साफ़ करके तभी बनाती हूँ डेली डेली, और एक बार पहले मैं बना के और डिब्बे में बंद करके रख लेती हूँ और फिर जाती हूँ बनाने तो देखती हूँ कुछ ना कुछ रहता ही है, तो फिर मैं उसे रोज़ रोज़ सूपे से साफ़ करके बनाती हूँ। और यहाँ पर ये सीटी उठ के आ गई थी और इनको तो कुछ चाहिए अलग से, तो ये कह रही हैं कि मम्मी हमारे लिए आज स्कूल में पता नहीं क्या बनेगा, कह रही थी कि सब्जी रोटी बनेगी कि क्या जो हमें पसंद नहीं है, तो आज हम स्कूल में खाना नहीं खाएंगे, हमारे लिए आप बना दीजिए, सूजी रखा हुआ है सूजी का हलवा बना दीजिए। तो मैं कही मेरे पास टाइम नहीं है फ्रेंड, अभी सुबह के टाइम में सारा खाना फटाफट रेडी करना रहता है तो टाइम कुछ एक्स्ट्रा बनाने के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता है, तो मैं इनसे कही हूँ कि तुम खुद से बनाओ। तो ये कह रही है कि नहीं मुझे भी तैयार होना है, मुझे नहाना धुलना है, लेटरिन बाथरूम सब करना है, मैं नहीं बना पाऊँगी। तो मैं कही ठीक है, तो चलो अभी यहाँ से जाओ बाहर और जाके तैयार हो जाओ, क्योंकि ये लोग किचन में रहेंगी तो कहीं कुछ उठ पटांग से ये लोग गिराती ही रहती हैं, कहीं पानी गिरा देंगी कहीं कुछ गिरा देंगी। तो मैं कह रही हूँ यहाँ से कि तुम जाओ, मैं बना देखती हूँ, अगर थोड़ा सा भी टाइम लगेगा तो मैं बना दूँगी हलवा तुम्हारे लिए। तो वैसे तो ये लोग कुछ सुनती नहीं हैं और सब लोग कहते हैं कि इनसे काम कराया करो, तो अभी बेचारी छोटी छोटी हैं मेरी बच्चियाँ, अभी मैं क्या काम करवाऊँ इनसे, इनको कुछ काम समझ में ही नहीं आता है कि किस काम को कैसे करना है, जितना ये लोग करती नहीं है उससे ज़्यादा ये लोग फैला देती हैं। पर ये भी होता है फ्रेंड कि बच्चे जब गलती करते हैं तो गलती करके ही सीखते हैं। और यहाँ पर मेरी सब्जी रेडी हो रही है, और मैंने देखी जल्दी जल्दी में काटा हुआ है पात गोभी, और कितना मोटा मोटा काटी हूँ। और पहले मैंने पात गोभी को और मटर को फिर भून ली थी तेल में, और अभी मैं भून ही रही हूँ, भून लूँगी, थोड़ा सा ये गल जाएगी तो गल जाएगी, फिर उसके बाद मैं इसमें आलू वगैरह और मसाले वगैरह डालूंगी। तो यहाँ पर मैं अच्छी तरह मटर को, टमाटर को और पात गोभी को भूनूंगी, और इधर तक तक मेरा चावल भी रेडी हो गया था। और फिर उसके बाद देखिए पात गोभी भी भून चुकी है, अब देखिए भून के थोड़ा सा ऐसा कम हो जाती है, शुरू में रहता है तो पूरी कढ़ाई भर जाती है सब्जी से, पात गोभी की जब सब्ज़ी बनाओ तो एक्स्ट्रा हो जाती है, चूल्हे पर गिरने लगती है इधर उधर, और फिर जब भूनते टाइम गल जाती है तो कम हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए गल गई है, और फिर मैंने उसमें आलू और मसाला मिला दिया है, और जो मैंने एक्स्ट्रा मसाला पीस के रखा हुआ था गरम मसाला मेरा ख़त्म हो गया था, तो मुझे याद ही नहीं रहा, तो फिर मैंने पैकेट वाला मसाला ढूंढी हूँ तो पैकेट वाला मिला, 2-3 पैकेट था तो वही मैं डाली। और इधर देखिए मैं जल्दी जल्दी में सूजी भी बनाई हूँ बच्चों के लिए, तो ये मेरी सूजी भी तैयार हो गई है। और फिर उसके बाद फ्रेंड फिर पूजा पाठ करके, और क्योंकि आज गुरुवार भी था तो मुझे पूजा भी करनी होती है गुरुवार की, तो मैं पूजा पाठ करके और चंदन वगैरह यहाँ पर देखिए सर में लगाई हूँ। और फिर उसके बाद में तब तक फ्रेंड 11 बजने वाले थे, और फिर मैं आई थी खेत में, और देखिए ये प्याज के छोटे छोटे पौधे हैं ना, इनको मतलब इनकी निराई करनी होती है, तो मैं आ गई थी और बहुत तेज़ धूप थी, देखिए मेरा चेहरा, अभी मैं जाने के टाइम पे ये थोड़ा सा वीडियो बना रही हूँ फ्रेंड। तो अब यहीं पे वीडियो का एंड करते हैं फ्रेंड, तो आप लोग मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड, और आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तो ओके टाटा बाय बाय, और आप अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है फ्रेंड, बाय बाय।